देश के सभी, आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और सच पूछिए तो वो भी मौका मिला आरके मिशन में, तो और अच्छी बात है। हम और आप विवेकानंद के प्रेम के चलते, उनके आभा के चलते, उनके काम के चलते, उनके मकसद के चलते एक जगह यहाँ पर जुटे हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि स्वामी जी ने बोला था सपने देखो, और स्वामी जी ने कहा था सपने देखो और मेहनत करो, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। स्वामी जी की एक और मशहूर कहावत है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा करने लगोगे और वैसा हो जाओगे। तो हमने अपने जीवन में भी फील किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात को देना चाहिए हमारे लाइफ में कि हम कितना सोचते हैं, हम अपने जीवन का जो देश बनाते हैं उसके लिए कितना जीते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिंदगी में मिलती है, कई चीजें ऐसी हमारे लाइफ में घटनाएं घटी मेरे दोस्तों, एक मैं मामूली छात्र रहा फिर भी ऐसी घटनाएं जिंदगी में घटी जो 20-20 साल पुराने मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हमारे पास था, अचानक लगे रहने के चलते एक चीज सॉल्व हुई। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने उद्देश्य के प्रति कितना लगे। अब देखिए, छोटे छोटे जगहों के बच्चे हैं, छोटे छोटे गांव से आने वाले, उनके भी कहते सपने पूरे होते हैं। संतोष है ये, आप देख रहे हैं, संतोष के माता पिता बिहार के एक इंटीरियर गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर में इतना भी पैसा नहीं कि हर पेट सालों भर भोजन मिल जाए, लेकिन उनमें भी ये जागरूकता है बावजूद इसके कि हमारे पास कुछ नहीं है, पढ़ाना है बेटे। मेरे दोस्तों, पिछले कई सालों में हमारे देश में काफी परिवर्तन आया, और आप खबरें सुनते होंगे ना सिर्फ सुपर 30 की बल्कि और भी ऐसे खबरें कि भाई ऑटो ड्राइवर की बच्ची इतना अच्छा किया, ऑटो ड्राइवर का बेटा 1000 रन बना दिया, तो बड़े मजदूर का बेटा IAS बना, क्यों ऐसा होना? इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में लोक शिक्षा का महत्व जान रहे। आज से 20-22 साल पहले, 25 साल पहले मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मोहल्ले में देखता था कि एक ड्राइवर अपने साहब की बहुत खिदमतदारी कर रहा है, दिन भर सेवा में जुटा हुआ है, और बाद में बात कर रहा है अपनी बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से कि साहब खुश है, देख ला मेरा बेटा बड़ा होगा तो साहब का अपने बेटे के ड्राइवर में इससे रखे, इसीलिए मैं इतना खिदमतदारी कर रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज समय बदल गया है, आज ड्राइवर हो, मजदूर हो, ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, वो चाहता है कि मेरी आखिरी जमीन एक कट्ठा बिक जाए, मेरा ठेला रिक्शा बिक जाए, लेकिन मैं बेटा को पढ़ाऊंगा और इस साहब से बड़ा साहब बना के दिखाऊंगा, ये जागरूकता है। पहले अभी लोकसभा का कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ बिहार में, पूरे देश में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। लोग पहले 10-15 साल पहले जब इलेक्शन होता था तो गांव देहात में कभी कभी मैं रहता था, देखता था कि नेता आते थे हाथ जोड़े, पीछे पीछे बहुत लोग आ रहे हैं, कोई औरत आई, कोई महिला आती है और पैरों पर नेता के गिर जाती है, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती है कि नेताजी बाबू हमारे बच्चे को नौकरी दे दीजिए, खाने को घर में नहीं कहीं नौकरी लगा दीजिए। वो सीन था 15 साल पहले। इस बार मैंने देखा विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, महिलाएं नहीं समझ रही कि किस दल का है, क्या है, उतना समझ नहीं होने के बाद भी कोई नेता आता है, कहता है बहन जी वोट दीजिए, माता जी वोट दीजिए, गर्म हो गई, कह रहे पहले इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई कराइए, देखिए स्कूल के खिड़की दरवाजे चोरी हो चुके हैं, स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, आप पहले इसको ठीक कराइए, सड़क बनवाइए, तब आप वोट मांगने आइए। तो ये परिवर्तन हमारे देश में है, यही शुभ संकेत है और यही जागरूकता है, और इसी के बाद स्वामी जी करते हैं। बेचारा संतोष भी उसी तरह से स्टेट बोर्ड का एक स्कूल में जाने को मजबूर था बिहार में, न खिड़की दरवाजे, न टीचिंग ठीक से, फिर भी संतोष जाता लौट आता, कभी शिक्षक आए कुछ लेसन दिए पढ़ा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ नहीं,
अपने सेल्फ स्टडी करता था, लोगों से नोट्स मांग के जैसे तैसे टेंथ पास कर गया। टेंथ पास करने के बाद यही सपना देखा कि नहीं, मुझे भी अच्छा करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। लोगों ने बताया कि अरे तुम्हारा इंटरेस्ट तो मैथमेटिक्स में है, जब मैथमेटिक्स में तेरा इंटरेस्ट है तो जाओ और इंजीनियरिंग की तैयारी करो। बिहार की राजधानी पटना में आता है, बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर होर्डिंग देखता है कोचिंग सेंटर का, लेकिन कहीं कोई आसरा नहीं, कोई स्कॉलरशिप नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं। लेकिन उसे जब हमारे बारे में पता चलता है तो संतोष हमारे पास आता है। काफी मेहनत करता है, 2 साल रात दिन एक करता है और एक दिन ऐसा आता है कि संतोष IIT क्वालिफाई कर जाता है। और यही नहीं कि संतोष IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया, उसे मैंने बताया और स्वामी जी के कई बातों को मैं क्लास में बताते रहता हूँ। इन बातों को लेकर उसमें इतनी मजबूती आई, इतना साहस हुआ कि संतोष ने कई नए नए रिकॉर्ड्स बनाए IIT खड़गपुर में, कई पेपर लिखे, कई चीज ऐसा किया कि अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी के लोगों का ध्यान गया कि अरे इतना अच्छा बच्चा है, जो अच्छे से इंग्लिश नहीं लिख पाता था, 4 लाइन बोल नहीं पाता था, IIT में चला गया, आज इतना अच्छा कर रहा है। तो उसकी खबर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाले बिजनेस मैगजीन बिजनेस वीक में, अमेरिकन मैगजीन में उसकी खबर छपी कि कैसे एक संतोष कुमार जो है वो देहात में रह के, गांव में रह के, बैल चरा के, गाय को खिला के और आज यहाँ तक पहुँचा। ये खबर पहुँची और आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वही संतोष सबसे आप लेफ्ट में देखिए बेल्जियम में प्रोफेसर बन गया है केमिस्ट्री। तो बच्चों ये ऐसा क्यों? क्योंकि एक न एक दिन संतोष ने सपना देखा था, सोचा था कि मुझे कुछ करना है और सोचते सोचते उस दिशा में चलते चला गया। हमारा योगदान कुछ नहीं, सोचिए ध्यान से, संतोष की चाहत की बात है, संतोष सोचा और उसको रास्ता मिलते चला गया, हमारे पास आ गया। तो मेरे दोस्तों, आप लोग उम्र में हमसे बहुत कम हैं, काफी युवा हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों के पास अभी समय है, आप सपना देखना स्टार्ट करिए, दिन रात अपने सपने के बारे में सोचिए और देखिए। एक दिन अनुपम ने भी एक सपना देखा था, पिताजी ऑटो चलाते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, अपना ऑटो भी नहीं, भाड़ा पर लेके, रेंट पर लेके ऑटो चलाते थे, बेचारे की स्थिति काफी खराब। टेंथ पास करता है, घर में खाने को नहीं, 4-5 भाई बहन, पहनने को कपड़े नहीं। टेंथ पास करने के बाद इनकी माँ हमारे पास लेके आती, मैं एक टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ टेस्ट में उस तरह का कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है। इनकी माँ कहती है कि रख लीजिए बाबू, कम से कम कलर की रानी कुछ तो बन जाएगा, पढ़ाने से फायदा तो होगा। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम रख लेते हैं इसको, मेहनत करता है। और देखिए, आप लोग युवा है इसलिए बता रहे हैं कि भाई आज हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी पुलिस की व्यवस्था कैसी है, हमारे ऑफिस में कैसे काम हो रहा है, इसका एक नमूना दिखाते। बेचारा गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, ये ऑटो लगाता था, बेचारे इनके पिताजी लगाते थे, वहां पर पुलिस आती थी, पैसा मांगती थी तो नहीं दिए कि भाई हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे तो पैसा किस बात की। पुलिस ने इनके फादर की जबरदस्त पिटाई की और ये बेचारे बेड पर चले गए। 20 दिन तक ऑटो 25 दिन तक चलाना बंद, चला गया अनुपम अपने फादर के पास, ऑटो भी चलाता था, सोचता था, चला गया। 25 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, महीने दिन बीत गए, तो मैं खोजते हुए घर गया, कह रहे बड़ा दिन हो गया आया नहीं भाई, क्या बात है। तब ये बताया कि नहीं सर, मैं उसको गोली मार दूंगा, जो हमारे पिताजी को बिना मतलब से बेरहमी से पिटा, मैं बदला लूंगा। देखिए यही सब कारण होते हैं कि युवा हमारे भटकते हैं, कोई उग्रवादी बनता है, कोई नक्सल बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है। तो ये बोला कि नहीं नहीं मैं बदला लूंगा। तो मैं कहा कि बदला लेके क्या करोगे, ऐसा ऐसा एक सिपाही थोड़ी है, ऐसा ऐसा एक कांस्टेबल थोड़ी ही हमारे देश में भरा हुआ है, इसको बदला लेना है तो सुधार करो सिस्टम में, और हथियार उठाना है तो शिक्षा का हथियार उठाओ, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। और जब तक तुम शिक्षित हो जाओगे, बड़ा आदमी बनोगे,
तब तुम परिवर्तन ला सकते हो, सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। और उसी का कारण था कि बहुत अच्छे रैंक के साथ जब अनुपम आईआईटी खड़गपुर से आए पास किया, उसके बाद आईआईएम से पास किया, और अभी 33 लाख रुपया के पैकेज पर सालाना काम कर रहा है कलकत्ता। अनूप की कहानी बहुत दर्दनाक। अनूप छोटा था, रो रहा था, नक्सल बेल्ट में रहता था, इसका परिवार रो रहा था, मम्मी खाना दो खाना दो। अब मजदूरी खत्म हो गई थी, अगस्त का महीना था, बारिश भी खत्म हो गई थी, खाने को कुछ घर में था नहीं, तो माँ को भी बड़ा खराब लगा। अब कोई भी माँ को बहुत खराब लगेगा, बच्चा रो रहा है, भूख से तड़प रहा है, कुछ नहीं है। अपने पति को इन्होंने बोला कि जाइए कुछ भी ले आइए, कम से कम थोड़ा चावल भी ले आइए, हम चावल को फैला देंगे, माड़ भात चावल नमक वगैरह खा लेंगे, कुछ और तो कुछ सहारा नहीं। पिताजी बोले कि ठीक है, अब तो गांव में कोई उधार भी नहीं देता, फिर भी ट्राई करते हैं। निकले, कहे कि देखो तुम लकड़ी जलाओ, पानी गर्म करो, जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम कुछ चावल लेके आए। लकड़ी जली, पानी गर्म हुआ, पानी ठंडा भी हो गया, रात बीत गई, इसके फादर नहीं आए। आज 18-20 साल हो गए, इसके फादर वापस कभी नहीं। घर में कई महिला थाने में कि भाई पति नहीं है, दो दिन हो गए नहीं आए। थाना वाला बोलता है, थाना प्रभारी की, अरे कहीं पी पा के गिर गया होगा। बोले नहीं भाई, मेरे पति कभी शराब छूते भी नहीं। नक्सलियों से मिलने गए, नक्सली बोले कि भाई हम क्या करेंगे, बहन तुम्हारी पति को उठाकर हम लोग क्या करेंगे। कुछ पता नहीं चला, आज भी पता नहीं चला, लेकिन इनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारा, उस दिन से प्रण लिया। प्रण का देखिए, सपने का देखिए कितनी ताकत है, कि नहीं मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है, बेटा को पढ़ाना है। अब बेटे को बोला कि याद रखना बेटा, तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिता भूख से घर छोड़ के भागे हैं तुम्हारे कष्ट दे के, इसको इसके पूरे करने के लिए तुमको पढ़ना है। 7 किलोमीटर अनूप जाता था पैदल, 7 किलोमीटर आता था, और अपने हाई स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारता था। इनकी माँ खेतों में मजदूरी करके, कुछ रोपनी करके, कोड़नी करके, कुछ कुछ करके पैसा लाके बच्चे का पेट भरती थी। हमारे पास 10th पास करने के बाद ये लोग आया, कहानी सुनी, काफी दर्दनाक। हमने पूछा कि भाई आप पटना कैसे पहुंचे थे। बाबू यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हर मंडे को जनता दरबार लगाते हैं, हम वहीं जाके गुहार कर रहे थे कि भाई आगे की पढ़ाई हो जाए, लेकिन वहां पर अधिकारी बताया कि हम लोग के पास अभी कोई ऐसा तत्काल प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा फंड नहीं, जाओ तुम आनंद कुमार से मिलो, और आपका नंबर कॉन्टेक्ट दिया तो हम आपके पास आ गए। देखिए हमारे देश में युवाओं, सोचना पड़ेगा, हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं कई चीजों पर, कभी सोचने का भी प्रयास नहीं। हमारे देश में ऐसे युवा साथी कई हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन उनका सपना बड़ा है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, और एक तरफ ऐसा भी समाज है जो 5 स्टार जैसे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ता है, माँ बाप उस पर बहुत खर्चा करते हैं, एसी में सोया रहता है, अलसाया रहता है, अघाया रहता है, और दिन भर फेसबुक और चैट से उसको फुर्सत नहीं मिलती है। दो तरह का सोसाइटी हमारी। हम और आप क्या कर सकते हैं कि दोनों में इक्वालिटी ला सकते हैं, हम अब आप क्या कर सकते हैं कि सब लोगों को समान एजुकेशन का अधिकार भी देना। बताया कहा भाई, कहा आप कितने दिन से है, तो 3-4 दिन से। बाबू 3-4 दिन से। हम कि कहा आपकी रात बीतती है, कहा रुके हुए, तो प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं, दिन में सत्तू भुंजा झोला में बैग में रखे हुए हैं, खाते हैं और खोजते हैं कोई बेटा को। हमको लगा बेटा भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया था 10th में बिहार बोर्ड से, उनके अच्छा तुम रहो, बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत मेहनत किया, और बहुत अच्छा लड़का, बहुत मेहनत किया, दिल से मेहनत किया, रात दिन एक करके मेहनत किया, और जब रिजल्ट आया तो हम भी देख के घबरा गए, उम्मीद से ज्यादा हुआ, इतना बढ़िया रैंक था कि इसका एडमिशन IIT बॉम्बे में। बॉम्बे में IIT में नौकरी करने के बाद पहली नौकरी जो लगी, दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा में इसकी पहली नौकरी। आज अनूप नौकरी छोड़ दिया है, 2 साल पहले एक छोटी सी कंपनी बनाया है IIT पवई के पास, जिसमें करीब 18-20 IITian काम कर रहे हैं, और ये एक बड़ा मिशन लेके चला है। सबसे खुशी की बात तो जब होती है, जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो हमेशा बुलाते रहता है, तब जाता हूँ तो इसके घर पर जाता हूँ, अच्छा फ्लैट में रहता है, और एकदम एसी का ठंडा ठंडा हवा चलते रहती है, और वहाँ इसकी माता जी लेटी हुई रहती है, इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। शशि नारायण के
कई कहानियां ऐसी, अब संक्षेप में दो कहानी और बताऊंगा। शशि नारायण गरीबी इतनी, छोटा भाई आत्महत्या कर देता है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। बड़ा भाई शशि, दो ही भाई था, बड़ा भाई हारता नहीं, कहता नहीं हारना मत, आगे बढ़ना। मन में ऐसा भाव आता है, टेंथ पास करता है, हमारे पास आता है, पिता पुत्र आते, दोनों रोते, कुछ बोलते ही नहीं। हम बहुत बार पूछते क्या बात है बाबू, क्या तो बस पढ़ना है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। मेहनत करता है, दिन रात एक मेहनत करता है, आईआईटी खड़गपुर में जाता है, आईआईटी खड़गपुर में जाकर इतना मेहनत करता है कि आप शशि नारायण कभी गूगल सर्च में केवल शशि नारायण टाइप करेंगे, इसका डिटेल आएगा। अभी तक का जितना रिकॉर्ड है सब बदल दिया अपनी मेहनत के आधार पर शशि नारायण। यूरोप में होने वाले सबसे कठिन स्कॉलरशिप का एक साइंटिफिक स्कॉलरशिप के परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करता है तो पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक 1 आता है। और यही शशि जिसका भाई भूख से तड़पते तड़पते दुनिया से चला गया था, आज देखिए कि फ्रांस में ये कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हो गया है। बीच में आप देख सकते राकेश कुमार सिंह, एक पैर पोलियो से ग्रस्त, चल नहीं पाता है, लाठी के सहारे खड़ा हो पाता है, छोटा बच्चा था, पोलियो ग्रस्त हो गया। इसके पिताजी मजदूरी करते थे, 7 भाई बहन, खाने को नहीं, ठीक से किसी तरह से छोटे से स्कूल में जाता था, पढ़ता था, लिखता था, घर आ जाता था। माँ भी गुजर गई जब ये 3-4 साल का था, तब इसकी पढ़ाई छूटते छूटते बची, कोई कभी पहुंचा दे तो ठीक, नहीं तो घर ही पर रह जाए। 8वीं क्लास तक आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि इसकी पढ़ाई छूट गई और ये डफली बजाने लगा। अब पटना आरा रेलवे लाइन पर, मुगल सराय रेलवे लाइन पर भीख मांगने लगा, गाना गाता था, भीख मांगता था। एक दिन इसके शिक्षक देखे, हाई स्कूल के शिक्षक, कह रहे तुम यहाँ राकेश, रोने लगा कि सर भीख मांगने की इच्छा तो नहीं होती है, क्या करे, घर में भूखमरी है। कितने अच्छे इंसान दुनिया में है जो पर्दे के पीछे है, अच्छा काम करते। शिक्षक ने कहा कि चलो भाई, हम तो रिटायर करके बेटा, हम तुमको बेटा बना के ले चले, तुम पढ़ने में अच्छे थे, घर लाते हैं, पढ़ाते हैं, 9th-10th करवा के हमारे पास लाते हैं, हम रिट टेस्ट लेते हैं, भाई इसका तो लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं। सर गुरुजी बोलते इस पे अगर आप प्राण फूंक देते हैं तब हम समझते हैं कि आप कुछ अच्छा काम किया। अच्छा, इसको 3 साल हम लोग मेहनत करते हैं, 3 साल मेहनत करने के बाद राकेश आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और NIT त्रिची का स्टूडेंट है। डायरेक्टर साहब इसकी इतनी खुशी हुई उनको जब पूरी कहानी जाने, इसके पैरों का इलाज चल रहा है। अभी जस्ट खबर आई है कि ये अब बिना लाठी के सहारे क्लिप वगैरह लग गया है, चलने लगा। एक भीख मांगने वाला काम करने वाला, एक ट्रेन में गाना गाने वाला काम करने में जब उसका स्वाभिमान जागता है, जब उसमें इच्छा शक्ति जागती है तो कुछ भी कर सकता है। मेरे दोस्तों, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, ना मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूं, ना कोई मैं भाषण देने वाला मोटिवेटर हूं, मैं सच बता रहा हूं कि आप अपने सपनों को जगाएं और सपनों को जगा के काम करना शुरू करके देखें। अगर अगले 1 वर्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन आप में नहीं आता है तो फिर सोचिएगा कि हमने बेकार बोला था। हम अपने लाइफ के अनुभव के आधार पर आपको बोल रहे हैं। 390 कहानियां इस तरह अभी तक बनी है, जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, लेकिन बेचारे सूख जाते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, पौधा पहले सूखने लगता है, बस हम लोग थोड़ा पानी डालने का, खाद डालने का काम करते हैं और देखिए फल देने लायक ही बच्चे होते हैं। लोग पूछते हैं कि अच्छा आनंद कुमार, तुमने ये कहानी क्यों शुरू की, ये काम क्यों शुरू किया, इसके पीछे रीजन क्या था। मैं भी बहुत गरीब घर से आता हूँ, ये रेलवे ट्रैक दे रहे, पटना कलकत्ता दिल्ली रेलवे ट्रैक है, मीठापुर गौरिया मठ पटना में जगह है, उसी सलम के बगल में अभी भी मकान वैसा ही है, हमारा घर था, किराए का घर था, 1 कमरे का घर था, 1 या 1.5 कमरे का घर बोलिए, उसमें हम लोग 7-8 लोग रहते थे। और हमारे पिताजी इसी रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन पटना टू कलकत्ता, कलकत्ता टू पटना पर काम करते थे। कलकत्ता जाते थे, चिट्ठी छांटते हुए जाते थे, चिट्ठी का बैग बोरे को उतारते थे, नए बोरे को लेते थे, यही उनका काम था। लेकिन उनका भी सपना था मेरा बेटा पढ़े। जब मैं 6th-7th क्लास में था तब तक भी मैं काफी एवरेज स्टूडेंट रहा था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, पैसे नहीं थे। एक बार पटना में बुक फेयर लगा हुआ था गांधी मैदान में, तो आरके मिशन का एक स्टॉल लगा हुआ था किताबों का, मैं गया, देखा विवेकानंद का एक किताब 1 रुपये में खरीदा, विवेकानंद के प्रमुख उपदेश, छोटी सी किताब थी, लिया, पढ़ने लगा। उसमें था, स्वामी जी को आप लोग भी पढ़े, उसमें था कि मनुष्य में अनंत शक्तियां, हमें लगता था हमें तो अनंत शक्ति है,
तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते ही नहीं, कहा ये सब झूठी बातें हैं स्वामी जी। लगता है बोल दिए स्वामी जी साधु महात्मा हो गए। फिर लिखी हुई थी बात, तुम पहाड़ तोड़ सकते हो टुकड़े टुकड़े, तुम चाहो तो समुद्र पी सकते हो। अरे भाई दो चार गिलास में आदमी थक जाता है, क्या बात है भाई। चलो लेकिन पढ़ते 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 एक ही बात को आप प्रैक्टिस करते करते कुछ सच्चाई लगी। फिर उनकी दूसरी किताब उनके जीवन पर आधारित वो मैंने खरीदी, तो लगा कि नहीं स्वामी जी सच बोलते, थोड़ा जोर लगा के देखते हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट धीरे धीरे शुरू हुई, इंटरेस्ट रुचि जागी पढ़ाई में, पढ़ने लगा। पढ़ते 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 लगा कि सच में फायदा हो रहा है, भले समुद्र नहीं पी सकता हूं लेकिन अब लग रहा है कि कुछ जरूर कर सकता हूँ। पहाड़ नहीं तोड़ सकता हूँ तो छोटी पहाड़ी पर चढ़ तो जरूर सकता हूँ, ऐसा आभास तो लगा। जब इतना करने से ऐसा हुआ तो अगर पूरी ताकत लगा दी जाए और बहुत दिन तक लगा दी जाए तो हो सके कि पहाड़ भी तोड़ दूं समुद्र भी पी जाऊं, करके देख ही लेते हैं। मेहनत करते गया, क्लास में परफॉर्मेंस अच्छे होते गए, टेंथ में नंबर अच्छा आया, सभी लोग चले गए दिल्ली, आ गए यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के उद्देश्य से। प्लस टू तो पहले कॉलेज हुआ करता था भाई, आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह सब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेंगे, बिहार से जो होंगे जानते होंगे परंपरा, सभी लोग आ गए। आने के बाद पढ़ाई शुरू हुई सबकी, मैं पटना ही में पटना यूनिवर्सिटी में रह गया। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हुआ, लगा कि नहीं मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छे गुरुजनों का साथ मिला, इंस्पायर करने लगे। मैं जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था उसी समय हमारे चार पेपर दी मैथमेटिकल गजट में लंदन में पब्लिश, लोगों में खुशी हुई कि भाई इसका इतना कम उम्र में इतने चार पेपर लिखा और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो गए, बहुत अच्छी बात है। कैम्ब्रिज से लेटर आ गया कि आप आइए हायर एजुकेशन के। बहुत खुशी हुई कि भाई पीएचडी प्रोग्राम में, अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई अभी पूरी हुई थी, पीएचडी प्रोग्राम में सीधा एडमिशन मिल गया, बहुत खुशी। घर में खुशी का माहौल था, सब लोग खुश थे, गुरु माता पिता। लेकिन दुख इस बात की थी हम लोगों के पास कि हमारे पास हमारे पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम लोग हवाई जहाज से वहां तक जा सके, फ्लाइट फेयर भी नहीं था। पिताजी कहे कि देखो बेटा मैं गरीब जरूर हूं लेकिन हम प्रयास हम लोग करते हैं, हैंड टू माउथ लेकिन प्रयास करता हूं। मेरे दोस्तों जितना भी एनजीओ चलता है, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है, दावा करती कि मैं क्रांतिकारी परिवर्तन लाता हूं, क्या लाता हूं, सभी के पोल कोई मदद के लिए नहीं आया। खबर छपी अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली के हिंदू में भी खबर आई थी, छोटी सी खबर फोटो के साथ कि भाई आनंद कुमार एक ऐसा मैथ प्रोडिजी है, इसको केवल फ्लाइट फेयर कोई दे दे, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। बल्कि उस दरमियान जितनी घटनाएं हुई उससे समाज के सच्चाई को जानने का मुझे मौका मिला। क्या हुआ, कई घटनाएं घटी, मैं दो चार घटनाओं का उल्लेख करूंगा, छोटी छोटी घटनाओं का। सबसे पहली घटनाएं घटी कि लोग बोले कि देखो ऐसा है कि एक पटना में है एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ले जाता है लोगों को लंदन, उसका उन लोगों का ग्रुप जाते रहता, तुम भी चले जाओ। पिताजी कह के चलो बेटा, गए वहां बात की तो बोला सबसे पहले तो आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा, कोर्ट से एफिडेविट करा के नाम बदलना पड़ेगा, तब हम लोग विचार करेंगे। हम लोग सोचे भाई धर्म ही बदला देगा तो बचेगा क्या, छोड़ो हटाओ भाई जो हो जाए, धर्म जो है उसी को कबूल करेंगे। अगर ये सच में धार्मिक होता तो बिना धर्म के आधार पर निर्णय लेता, जैसे हमारे स्वामी जी कहते हैं ये बिना धर्म के आधार पर निर्णय लेता, यानी लगता है कुछ मामला गड़बड़ है, वहां से जल्दी। अभी आप इलेक्शन देखे होंगे, सब टीवी वाले लोग कह रहे थे कि भाई बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन हो गया उल्टा, तो सब लोग बोलने लगे कि अरे बिहार में तो जाति पाति का माहौल है, जाति के आधार पर वोट होता है, जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं, लेकिन एकदम गलत है। मेरे दोस्तों जो भी यहां पर बैठे हुए इस बात को माइंड कर लीजिए कि चाहे जाति की बात हो या समाज की बात हो, कोई भी बंटवारा कर किया है आज तक हमारे देश में तो अपने निहित स्वार्थ के लिए बंटवारा किया है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को तोड़ा है, उनके स्वार्थ के लिए नहीं। लोगों ने बोला कि हमारे पिताजी को कि देखिए यहां जात पात है, आप अपने जात के नेता के पास ले जाइए, आपके बेटा को पैसा दे देगा, क्या है 60-70 हजार रुपया दे देगा, कोई बड़ी बात। पिताजी कहे कि चलो बेटा, गए नेता उता जी बैठे हुए थे, सब कागज पत्र दिखाया, बड़ा खुश हो गए, कहे कि भाई तो बहुत अच्छी बात है,
बहुत गर्व की बात है, हमारे जात और समाज के लिए बड़ी बात है, हम मदद करेंगे। तीन चार दिन बाद आप आइए। तीन चार दिन बाद गए पिताजी के साथ, उन्होंने कहा गया भाई चाय पिलाओ इन लोगों को, इन लोगों का काम हो गया, हम लोगों की खुशी का ठिकाना। बोला कि भाई काम हो गया, कैसे हो गया भाई? तो फल्ला फल्ला बाबू है, उनकी बच्ची है, उनसे आपकी शादी ठीक कर दी है, दहेज देंगे, चले जाइएगा, बड़ा सिंपल सा रास्ता। मैं डर गया, पिताजी जब हमारी तरफ देखे, हमको भाई क्या उम्र है हमारी, क्या शादी करूं, जाति के आधार पर थी, बंटवारा होता है, मदद भागा जान प्राण बचा के। फिर इसी तरह से एक प्रोग्राम था हमारे कॉलेज में, हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, बहुत मानते थे हमको, बहुत प्यार करते थे, प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया, कहा कि देखो उस दिन आ रहे शिक्षा मंत्री जी, तुम ऐसा करना कि तुम अपना कागज पत्र लेके आना, उनको दिखाना, हम कन्विंस करेंगे वो तुम्हारा फ्लाइट फेयर दे देंगे। मंत्री जी आए, कार्यक्रम खत्म हो गया, भीड़ में निकलने लगे, प्रोफेसर साहब मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मंत्री जी बोले देखो बेटा तुम कल 11 बजे, मैं जरूर मदद करूंगा तुम्हें विदेश। मेरे दोस्तों जो मैं गया वहां राजनीतिक जो दृश्य देखा, अगर उसको फिल्मी पर्दे पर दिखा दिया जाए तो लोग यकीन नहीं करेंगे, लोग कह रहे फिल्म वाला सब लिख देता है, ऐसा थोड़ी है सच में होता है। लेकिन हमारे जीवन में इतनी घटनाएं घटी कि अब मैं जो भी फिल्मी घटनाओं को देखता हूं लगता नहीं सच। गया 11 बजे, टाइम था, 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, पर्चा लिखा, आनंद कुमार गणित शोधकर्ता सर आपसे कल मुलाकात हुई थी, आपने बुलाया था, संदरी का साहब बुला रहे हैं, बड़ा सा रूम, सब लोग कुर्ता पैजामा पहने बैठे हुए थे, उसी भीड़ में मैं गया, बैठ गया, बोले कि 10 मिनट 20 मिनट आपस में बात चल रही थी, देखो इस जाति का इतना परसेंटेज है, वहाँ इतना पॉपुलेशन है, इतना वोट है, ऐसे ऐसे है, यहाँ खाली सेट हो रहा है इक्वेशन कास्ट का, हम तो बैठ के इक्वेशन बनाते। 10 मिनट 20 मिनट के बाद हम बोला कि लगता है नेताजी भुला गए हैं मंत्री जी, हमें याद दिलाना चाहिए। हमने कहा सर आपने मुझे बुलाया था सर, एकदम फिल्मी अंदाज में बोले, हाँ बुलाया था, मैं उन सभी लोगों को युवाओं को बुलाता हूँ जो अच्छा काम करते हैं, देश के लिए जीते हैं, प्रदेश के लिए जीते हैं, आप भी जीते, इसलिए मैंने बुलाया। लगता है मंत्री जी भूल गए कि क्यों मुझे बुलाया। हाँ वर्मा जी क्या चला, फिर बात चला 10-15 मिनट के बाद हम गए, आप मुझे याद दिलाना चाहिए, हिंट देना चाहिए कि सर आप पैसे के लिए बोले थे, बोला था पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में मत रहना, पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे युवाओं को बर्बाद होते मैंने देखा है, प्रतिभाएं भी लीन हो जाती है पैसों के चक्कर में, देश के लिए सोचना, समाज के लिए सोचना, पैसे के चक्कर में न पड़ना। पैसा मांग रहे थे, बोल रहे क्या, लगता है कि अब इस बार एकदम स्पष्ट कर दो। हम कहे कि सर आप बोले थे, तो बोले कि विदेश जा रहे थे तो उस मदद के लिए, विदेश जाओ, जापान जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जहां जाना जाओ, उससे उस शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन नहीं भारत माता की मिट्टी के लिए वापस फिर आओ, अपनी मिट्टी के लिए जियो, इसी मिट्टी में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसी मिट्टी में जहां महावीर रहते थे तुम भी आओ, स्वामी विवेकानंद रहते थे उसी मिट्टी के लिए तुमको करना है, अपने जड़ को मत भूलो, अपने रूट्स को नहीं भूलो, यही समझाने के लिए बुलाया था, तुम समझदार हो गए, समझिए हो गए, जय भारत जय। तो लगा कि ठीक है निकल गए, क्वार्टर से निकल गए, क्वार्टर के ठीक सामने उस तरफ जिसे देखते हैं इधर उस तरफ चाय रोड पर बिक रही, वैसी चाय बिक रही थी सड़क के किनारे ठेले पर, मैं बैठ गया, वही एक स्टूल लगा हुआ था, निराश हताश, चाय वाला पूछा क्या बात है बेटा तुम बैठ गए निराश हो हताश हो, क्या बात है? लगता है कि नौकरी उकरी मांगने गए थे, डांट टूट क्या सुने? हम कि नहीं ऐसी ऐसी बात है, पूरी घटना सुना। चाय वाला गर्म हो गया, कौन भेजा है तुमको, कौन प्रोफेसर इतना बुड़बक है, जो आदमी पिछले 4 महीने से चाय पी के मुझे पैसा नहीं दे रहा उधार पी पी के, तो क्या पैसा देगा, यही हमारे देश के नेताओं का चरित्र है। तो वही घटना घटी, उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, पिताजी से सारी बातें बताई, पिताजी भी काफी निराश हो गए, पिताजी कह रहे थे कि देखो हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत दुख है बेटा, कह रहे कोई बात नहीं है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बट नहीं में पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन पिताजी को थोड़ा टेंशन होते होते इतना तकलीफ हुई, 1 अक्टूबर 1994 को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था, हॉस्टल का लेटर सब चीज हमारे पास
कागजात आ गए थे। लेकिन 23 अगस्त को हमारे पिताजी बहुत ही चिंतित थे, बार बार समझा रहे थे, खाना खाते खाते जैसे ही खाना खत्म हुआ लुढ़क गए कुर्सी से और उनकी आंखें बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ होगा, क्योंकि इनको न कोई तकलीफ है न कोई बीमारी, कुछ तो नहीं है। डॉक्टर का कोई तो ठिकाना नहीं था। उस समय एरिया पूरा पानी से भरा हुआ था, 23 अगस्त का दिन, बरसात का महीना। एक बगल में कंपाउंडर थे, वो आए, उनको पता चल गया कि अब आनंद के पिता इस दुनिया में नहीं, लेकिन इतना मानते थे कि नहीं बोल पाए ये बात। बोले पटना मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वहां पता चला पिताजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। अचानक ऐसी घटना घटी मेरे दोस्तों, मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता, पहले से कोई रोग होता तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता, आदमी अच्छा एक दिन गुजर सकते, थोड़ा तैयार होता है मेंटली। कुछ नहीं था, सारी घर की जिम्मेवारियां, चाहे चाचा चाची हमारे विकलांग थे उनकी जिम्मेवारियां, चाहे हमारी बूढ़ी दादी जी बीमार रहती थी उनकी जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारियां हमारे कंधे पर आ गई जो पहले पिताजी के पर हुआ करती थी। तो कैम्ब्रिज जाने का सपना टूट गया। पिताजी के जगह पर अनुकंपा के आधार पर गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आया। माँ को लगा, मेरा छोटा भाई तो म्यूजिक उस समय पढ़ाई करता था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में, माँ को लगा माँ तो घरेलू महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी कि नौकरी कर सके। माँ बोली कि बेटा सच बताओ तुम्हें नौकरी करने का मन है कि नहीं? माँ हमको नहीं मन, ठीक है। माँ हमारी इसी हालात में पापड़ बनाती थी, हम दोनों भाई, मेरा भाई वापस आ गया, शाम को झोले में बैग में लेकर आनंद पापड़ के नाम से घूम घूम कर बेचते थे, उसी से जो आमदनी होती थी, दाल रोटी हमारी चलती थी। लेकिन 2 साल बाद हमारे गुरु देवी प्रसाद वर्मा जी, जो विद्या भारती से जुड़े हुए, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए, 80 साल प्लस हो गए, उस जमाने में उन्होंने इंस्पायर किया कि बेटा ऐसा करो, जब मैथ तुम टीचर बनना चाहते थे, तुम्हारा सपना था कैम्ब्रिज जाके पढ़ना, एक अच्छा टीचर बनना, तो क्यों नहीं तुम अभी जो स्किल है उसी का यूज करो। तो मैंने 2-4-5 बच्चों को से लिया और पढ़ाना शुरू किया। हमारा भाई भी एक छोटे से जगह पर बैठा, मदद किया, 2 से 4, 4 से 8 करते करते सैकड़ों बच्चे हमारे पास हो गए। तब जब 200-400 बच्चे हो गए हमारे पास, तब हमने 500 रुपया सालाना फी रखी। लेकिन वो 500 रुपया भी इतना रुपया अधिक हो गया कि हमारा मकान थोड़ा बना लिया, वाटर सप्लाई घर में नहीं था, उसको हमने बोरिंग से पानी का व्यवस्था कर लिया, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली, एक स्कूटर खरीद लिया, मिडिल क्लास फैमिली जैसा हमारा जिंदगी चलने लगी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसी समय देखिए लाइफ में टर्निंग मोड़ आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है, जैसे सबके लाइफ में हमारे यहाँ जो पिताजी का गुजरता एक था, उस समय नौकरी में चले जाते, एक दूसरी दुनिया में चले जाते, लेकिन उसने थोड़ा सा त्यागा स्वामी जी के बल पर। उस समय जब लोग हमें बोल रहे थे तो स्वामी जी का एक मंत्र याद आया, वो हमेशा बोलते कि रिस्क लो, जब तक तुम चुनौतियों का सामना नहीं करोगे फायदा नहीं होगा, हो सके तुम जीत जाओ तो बहुत फायदा होगा, नहीं जीत जाओ तो तुम दूसरे को अनुभव देने लायक बन जाओगे। इस बात को लेके लगा कि स्वामी जी जब इतना बोल रहे हैं तो एक बार रिस्क लेके देखा जाए। क्या है कि स्वामी जी बोलते थे पहाड़ तोड़ने वाली बात और समुद्र, उसका फायदा तो हुआ था, इसका भी फायदा होना चाहिए भाई। तो हमने रिस्क लिया, पढ़ाना स्टार्ट किया। दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग खुलने लगे थे, कोटा में कोचिंग शुरुआत होने लगा, लोग बोलने लगे कि ऐसा करो कि भाई यहाँ पर आ जाओ कोचिंग, एज ए मैथमेटिक्स टीचर तुम फेमस हो, आ जाओ, लेकिन पैसा भी देंगे, कुछ पार्टनरशिप भी देंगे। लेकिन हमने सोचा चलो क्या करें। उसी बीच एक बच्चा हमारे पास आता, अभिषेक राज, और आके वो बोलता है कि सर हम आपका 500 रुपया फी देंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे जब पिताजी हमारे खेतों से आलू निकालेंगे। हम कहें कि भाई तो पटना में तू रहोगे खाओगे कैसे? एक वकील साहब है, उन्हीं के घर के सीढ़ियों के नीचे मैं रहता हूँ, दरबानी का काम करता हूँ, और टाइम मिलता है तो पढ़ता हूँ। तो क्या अपना एड्रेस लिखो, हम दोनों भाई गए, देखे पसीने से लथपथ पढ़ाई कर रहा है। उसी दिन हम आके माँ से डिस्कस किए और सुपर 30 का कॉन्सेप्ट बनाए। तब हमने क्या किया कि भाई के सहयोग से, माता जी के सहयोग से 30 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया। उस 30 बच्चों को अपने घर में रखने के लिए हमारी माँ ने परमिशन दिया कि घर में रखेंगे, और माँ बताएं कि हम बेटा पापड़ बनाना काम धीरे धीरे बंद करके बच्चों के लिए खाना बनाएंगे, और तुम पढ़ाओ। हमारे कुछ पुराने विद्यार्थी भी तैयार हो गए कि आप मैथ पढ़ाइएगा सर, तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। कोई फर्क हो हिंदू का मुस्लिम का, हम लोग सब
स्वामी जी के आधार पर मनाते हैं, सबको लेके साथ चलते हैं, कोई धर्म छोटा नहीं है, ये मान करके हम लोग चलते हैं। मुस्लिम विद्यार्थी होते हैं, ईद होता है, कुछ भी ऐसा पर्व होता है, वो लोग जाते नहीं, हम लोग छुट्टी देते तब भी कि नहीं सर, होली आपके साथ मनाते हैं, दीपावली आपके साथ मनाते हैं, तो क्यों नहीं आपके साथ ये मनाएंगे भाई, जरूर। फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारी वाइफ है सबसे किनारे, बच्चों का खाना बनाने में, पढ़ाने में मदद करती है। आईआईटी से पास आउट होने के बाद आईआईटीयन होकर एक नौकरी करती थी बेंगलोर के सॉफ्टवेयर कंपनी में, शादी हुई, कुछ साल नौकरी की, बाद में जब पटना आते जाते इनको पता चला कि काम अच्छा हो रहा है, तो इन्होंने नौकरी छोड़ के आज हमारा साथ देती है, बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती है और माता जी का खाना बनाने में मदद करती है। खाते पीते रहते हैं, अपना प्रोग्राम चलते रहता है, तब डोनेशन वाला है, डोनेशन वाला भी बड़ा चलाक होता है, सोचता है उसी को पैसा दो जहां हमारा भी नाम हो, कुछ काम हो। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे लोग हैं, समाज में ज्यादातर लोग अच्छे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही जो डोनेशन के मामले, चाहे नीतीश कुमार जी ने कई बार आए बच्चों से मिलने बोला, कपिल सिब्बल साहब भी एक बार आए, आए नहीं बुलाए दिल्ली, बोले कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हें कुछ चाहिए मदद तो बोलो, हमने बोला कि सर आपका आशीर्वाद काफी है, मदद नहीं, अगर आप सच में चाहते कि मदद हो तो आईआईटी का पैटर्न चेंज करें, आईआईटी का पैटर्न चेंज करें, प्लस टू के बाद एक ही मौके हैं, गांव देहात के बच्चा आता है, हिंदी नहीं ठीक से बोल पाता है, कहां से इंग्लिश में टेस्ट देगा, तो आप ऐसा करें कि आप थोड़ा पैटर्न बदलो, बोले नहीं नहीं मैं विचार करूँ। फिर एक डेढ़ साल बाद दूसरे प्रोग्राम में मिल गए, फिर लोगों ने पूछा, फिर इन्होंने बोला मैं विचार करूंगा, विचार करते रहे, सरकार चली गई, जी रहे, अखिलेश जी रहे, बहुत लोग मिलते रहे, रमन जी रहे, बहुत लोग मिलते रहे, कलाम साहब चल रहे, बहुत सारी मुलाकात, जब भी मुलाकात हुई उन्होंने एक ही कहा, बेटा हिम्मत मत हार, बहुत बड़ी बात कहा कही इन्होंने। मनमोहन जी के का भी एक बार आया मेल आया कि भाई देश के प्रधानमंत्री आपके साथ चाय पीना चाहते, मुझे लगा कि कोई फेक आईडी उडी से देखा, आईडी तो नहीं लगा कि नहीं गवर्नमेंट का ही आईडी है, इसमें एक लैंडलाइन था, हमने फोन किया कि कब आना है, तो बोले बताइए आप कब कब दिल्ली आ रहे हैं, उसी में हम लोग एक डेट एक दूसरा के सुविधा अनुसार करते हैं। हमने बताइए भाड़ा कौन देगा आने जाने का, बोले ये तो बताइए, अरे नहीं नहीं हम लोग देंगे, आप आइए चिंता न करिए, गए मिले चाय चली इनके साथ, इन्होंने बोला इनके बारे में बहुत लोग चुटकुला मजाक खुद कुछ व्हाट्सएप एसएमएस चला, लेकिन अच्छी इंसान, इन्होंने कहा कि बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बना दूंगा, बोलो हम कि आप कहां से पढ़ेंगे, तो बोले कि हम फलना फलना जाए, हम कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन का हो, तो मैं तो बोड़े पर बैठ के पढ़ा, आप देखिए सर आप बोड़ा पर बैठ के मेहनत कर करके आज आप इस कुर्सी तक पहुंच गए हैं, क्योंकि क्योंकि आप में इच्छा शक्ति थी, तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों में कितना इच्छा शक्ति होती है, उसमें कितना जुनून उसका टीचर भर देता है, ये इंपॉर्टेंट है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे स्वामी जी ही कहा। बोले कभी भी कोई काम हो तो माना, कभी काम ही नहीं पड़ा इनके पास जाए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी सम्मानित किया, कुछ बार मुलाकात भी की, मुकेश अंबानी ने भी एक प्रोग्राम में बुलाया, पीछे हमारा इसी तरह से फोटो टागे हुए थे, बोले कितना पैसा चाहिए, हम कि बस आपका आशीर्वाद काफी। आनंद महेंद्रा साहब उद्योगपतियों में हमें जितने से मुलाकात हुई सबसे अच्छे आदमी लगे, बहुत अच्छे इंसान है। पटना आए थे एक बार एक कार्यक्रम में, मुझे बुलवाया, मुलाकात की, कार्ड दिया, कभी कभी बात होने लगी इनसे, सीधी बात होने लगी, सीधा मोबाइल से या तो ईमेल से बात होती है, जवाब देते हैं, अक्सर मुलाकात हो भी जाती है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान, इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद इनसे बात करने के लिए मुझे कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं, सीधी बात होती, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम डेली इनको वो गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप, कभी ऐसा 6 महीना साल भर पर मौका मिला तो मुलाकात होगी, लेकिन आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं, कोई चंदा नहीं लिया, हमारा परिवार हमारे वॉलंटियर शाम के शाम लोगों को पढ़ाते हैं, उससे जो आमदनी होती है उसी से हम लोगों का घर का खर्चा और 300 बच्चों का खर्चा। किसी से चंदा नहीं लीजिए, आप अच्छा काम करिए, आगे बढ़िए, आप लोग भी जीवन में ऐसा कुछ नहीं करिए, अपने ऑफिस में अच्छा काम करिए, कॉलेज में अच्छा काम करिए, पढ़ाई करिए, तब भी जलने वाले लोगों की कमी नहीं है, समाज में बहुत लोग आपको तंग करने वाले भी आते हैं,
मुझे भी कोचिंग माफियाओं ने धमकी दिया, पटना में इतना कोचिंग है, धमकी दिया कि यार बंद कर दो ये सब धंधा, महात्मा स्वामी तुमको बनना है तो चल जाओ तुम आरके मिशन में, ऐसे पढ़ाओ उढ़ाओ मत और हम लोग का धंधा मत इफेक्टिव करो। भैया तुम्हारे पढ़ाने लिखाने से हमको क्या लेना देना, हमारा कुछ अलग है आपका कुछ अलग है, नहीं माना मानोगे, पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनोगे कि नहीं। आया चार पांच दिन के बाद एक जेल से फोन, बहुत बड़ा क्रिमिनल, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा क्रिमिनल, अपना सुरक्षित रहता हूँ जेले में बंद रहता हूँ, फोन किया कि मैं ठल्ला बोल रहा हूँ, हेलो। हम कहे कि इतना बड़ा क्रिमिनल हमको काहे फोन करेगा, बड़ा बड़ा उद्योगपति को, पॉलिटिशियन को, सबको करता है, हमको काहे करेगा उसको। तो सुनियो, कोई बच्चा का एडमिशन हमने नहीं लिया है इसीलिए आवाज बदल के हमको डरा रहा है। हम कहे बेटा चालू बनते हो, अरे पढ़ना है तो तुम ऐसे ही आओ, मैं पढ़ा देता हूँ, इतना क्रिमिनल का रूप लेना, आवाज बोलने का क्या जरूरत है, फोन कर दिया। हमको पूरा विश्वास हो गया कि वो कोई बच्चा ही था। फिर थोड़ा देर बात किया, आधा घंटा 45, तो हमको पहचान नहीं रहा है अभी, नहीं तुमको मैं नहीं पहचान रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर को भी कंप्लेन करूंगा तो पता चलेगा कि मेरा बेटा कितना गलत काम कर रहा है। फिर गाली गलौज करने लगा, तो लगा पता नहीं। फिर हमने थाना में फोन कर दिया कि देखिए इतना इतना नंबर से आया है, तो बोला कि ओरिजिनल क्रिमिनल है, समझिएगा। धमकी दिया, कई बार दिया, हम बात नहीं माने, बोला घर से, पुलिस बोला घर से अफत निकलो तुम, मार देगा कोई, हम लोग फंसेगा, कितना जा जा के ट्यूशन पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, कैसे नहीं निकलेंगे। निकलना उकलना शुरू किया, दो चार हमले छोटे मोटे हुए, एक बार इतना बड़ा हमला हुआ कि आप देख रहे हैं हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ को चाकू से यहाँ से यहाँ फाड़ दिया, और फाड़ दिया, पेट पूरा फाड़ दिया, बेचारा नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, PMCH में पटना मेडिकल कॉलेज में 3 महीने बेड रहा, और लगा कि Super 30 बंद कर दे। सब लोगों ने कहा बंद कर दो, बंद कर दो, बेकार चला रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हो। लेकिन जब ये इसको ऑपरेशन के दरमियान खून की जरूरत पड़ी, ब्लड की जरूरत पड़ी, हमारे 300 विद्यार्थी में आपाधापी था कि पहले मैं ब्लड दूंगा, मैं ब्लड दूंगा। 300 पटना मेडिकल कॉलेज में दो का बारी लगाकर 3 महीना तक इसकी सेवा में रहा। तब मुझे लगा कि नहीं, Super 30 चाहे कुछ भी हो जाए चलाना चाहिए। स्वामी जी कहते थे कभी भी डर के भागो मत, डर से जितना भागोगे डर उसका पीछा करेगा। अब समय नहीं रहा, ये तो कई एग्जाम्पल बताते। स्वामी जी कहते थे कि भाई एक बार मैं जा रहा था जंगल में, तो एक बंदर मेरा पीछा किया, तो मैं थोड़ा तेज चलने लगा, बंदर और तेज चलने लगा, मैं दौड़ने लगा तो बंदर दौड़ने लगा। मुझे लगा कि अरे क्या मैं कर रहा हूँ, समस्याओं से भाग रहा हूँ, समस्या का रुक कर सामना करना चाहिए। रुका, लाठी को ठोकी, जमीन पर बंदर भाग, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत थी। बात की भाई ठीक है, समस्याएं तो आती रहेंगी, स्वामी जी कहते हैं दुख सुख दोनों आते रहता है, दोनों को तुम रियलाइज करो, दोनों को महसूस करो, कभी तुम सुख की कामना केवल करोगे वही खतरा होगा। जब भी तुम्हारे पास तकलीफें आए तो तुम खुश रहो, संतोष में रहो कि वो आने वाला कल सुख का है, क्योंकि दोनों को आना है। ये सब बातों को सोचकर जब भी हमारे पर परेशानी आती है तो मैंने कहा अपना काम चला लेते हैं, सोच साझ के अपने आप को, मन को खुश कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक जब अटैक हुआ दूसरा, तब हमने, हमारे बच्चे, हम लोगों ने आवाज उठाई कि भाई क्यों अटैक हो रहा है। तब वहां के मुख्यमंत्री जी ने 2 कमांडो मुझे दे दिया कि आपके पास हमेशा, आज भी है, हो गया 6-7 साल, आज भी रहता है। दिल्ली आते हैं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन पटना बिहार में रहता है, खतरा भी हो गया। अब ये दोनों साथ रहता है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, वाइफ के चलिए जी पार्क में आज घूमने गए, चलिए पीछे पीछे चलेंगे। अब यार उतना कोई खतरनाक क्रिमिनल नहीं लगा, नहीं सर आप पर थ्रेट है, कहीं मार उड़ दिया, फंस जाएंगे, चलिए। एक बार चाट पकौड़ा खा रहे थे अपनी वाइफ के साथ ही, दोनों पीछे खड़ा था, पैसा बोले चाट वाला कुछ भाई ले लो, तो बोला कि नहीं सर, बड़ा खुश हुए, क्यों नहीं ले रहा है पैसा, हम ये कि तो आप पहचान गए क्या, हाँ सर पहचान, बहुत खुशी उस दिन की। देखो समाज के लिए काम करोगे तो चाट पकौड़ा वाला भी पहचान। हमने पूछा कि हम हैं कौन, सर आपको हम नहीं जानते हैं, इसी थाना में होंगे कोई इंस्पेक्टर, बताइए क्या इसका लेवल हो गया है। तो ये बात है, Super 30 के नाम पर Super 100, Super 20, गया Super 30, नालंदा Super 30, राजू काजू Super 30, डोनेशन लेने वाले लोग थे।
फिर भी सुपर 30 चलता रहा। अब लेकिन सपने भी सच होते हैं, चलते चलते मैं बताना चाहूंगा, 4-5 मिनट में बातों को खत्म करूंगा। सपने भी सच होते हैं, इतना लगा रहा तो बहुत खुशी आई। पहला साल हमने सोचा था कि अगर 30 बच्चों में 4-5 भी आईआईटी गया तो बहुत बड़ी बात है। पहले ही साल 18 बच्चे आईआईटी गए, दूसरा साल 22, 26, 25, 29, 30, 3 साल तो पिछले 14 सालों में ऐसा हुआ कि 30 out of 30 बच्चे क्वालिफाई। 390 बच्चों में अभी तक 333 बच्चे आईआईटी और बाकी दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज या एनआईटी वगैरह में गए। बहुत अच्छा अच्छा रहा, चाहिए राधे श्याम जिसका एक आंख नहीं है, चाहे ऑटो ड्राइवर निधि धा की बच्ची रहे, ये हरिमोहन पांडे खेतियर मजदूर का बच्चा, बहुत ऐसे बच्चे गए, बहुत अवार्ड मिला, सम्मान मिला, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने बुलाया और यही प्रोग्राम के बारे में बोल रहे थे ही नहीं जुटी। तो जेम्स कैमरॉन साहब दो दो बार बुलाए प्रोग्राम में, फेमस हो गया, कहीं जाता था तो बहुत भीड़ उड़ लगने लगी, छोटे मोटे जगहों पर और ज्यादा भीड़ लगती थी, लोग मिलते थे, सम्मान देते थे, युवाओं में उत्साह आता था, अच्छा लगने लगा। ये भी एक समस्या का कारण बन गया, पॉलिटिशियन सोचा कि अरे इसको पॉलिटिक्स में लिया। अभी इलेक्शन में एक पार्टी वाला आया लोकसभा का, कहा कि लड़ जाओ यार, चुनाव लड़ जाओ, कितना दिन तुम ये सब करोगे। हम कहे कि नहीं नहीं ठीक है भाई। फिर एक बड़ी पार्टी के लोग आए, बोले कि देखो इस बार लहर है, इसी लहर पर तैया सवार करके पार समाज के लिए करोगे तो तुम बड़ा कर सकते हो, तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में सत्ता होना चाहिए जो परिवर्तन कर सकता है। कितना दिन सोचो, एक दिन सोचा कल आएंगे। हम भी थोड़ा लोभ लालच में फंस गए कि भाई ठीक है बोल रहे हैं, दिल्ली में क्वार्टर होगा, हर चीज होगा तुम्हारे पास, अभी अपने ही काम करते हैं, तुम्हारी वाइफ जवाब देती है ईमेल का, तुम देते हो, भाई लगा रहता है, सेट होगा, अच्छा सेटअप होगा, अच्छा काम करोगे। पत्नी कहेगी देखिए भाई, अगर आप पॉलिटिक्स में आए तो जिस दिन आप ज्वाइन किए उससे कल होके हम चल देंगे। हम इसीलिए ना आपसे शादी की कि आप ये काम करते हैं, इसलिए नहीं कि आप पॉलिटिशियन। बहुत सोच में पड़ते हैं। कल ही लोग आए, अरे बोल दिया भैया मैं मास्टर ही ठीक हूँ, छोड़ दो। अगर मान लिया जाए मेरे दोस्तों युवाओं, सच मैं बताता हूँ, अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो मैं अपने बलबूते पर जीत भी जाता, यहाँ दिल्ली में सांसद बन के आता तो क्या स्वामी जी हमको बुलाते कि आप हमको सुनने के लिए आते, इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त होता। यही मास्टर ठीक है, ही बन के टीचर बन के जिंदगी जीना, आप लोगों के साथ बात करना, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। चलते चलते मैं एक कुछ सक्सेस मंत्र बताता हूँ। हमारे पास एक दलित बच्चा आया, बहुत लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं बताते केवल दलित बच्चे पढ़ते, ऐसी बात नहीं है, हर जाति हर धर्म में टैलेंट है। तो कहानी तो एक दलित बच्चे की सुना रहे, अभिजीत था, आया 2-4 दिन पढ़ा, भाग गया सर हमसे नहीं। हमें क्यों? तो नहीं सर मैं दलित हूँ। हमसे तो तुम इंसान हो, स्वामी जी कहते हैं कि तुम दलित हो चाहे तो तुम चंडाल हो, चाहे तुम बहुत बड़े क्लास से आए हो, तुम इंसान हो, मेहनत करो, भागते क्यों? नहीं सर हमसे नहीं। तब हमने एक स्ट्रैटेजी इन लोगों को बढ़ाने के लिए बताया, जो भी दलित नहीं, जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, उनके लिए बनाया 2 कार्टून बनाया और अपनी पूरी पढ़ाई को ये 2 करेक्टर के नोक झोंक में हमने बना दिया। सारा असाइनमेंट पूरा अपना लेक्चर ढाला मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट यूज करके। ये रिक्की को दिखाया कि ये सुटेड पुटेड लड़का है, कोट टाई पहनता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और ये भोलू बेचारा है, गाँव का लड़का है, सीधा साधा लड़का है, ये बाइक से चलता है, बेचारा साइकिल से ही काम चलाता है, ये पिज्जा चाउमीन हॉट डॉग न जाने क्या क्या खाता है, ये बेचारा दाल भात सब्जी कौरों से ही काम चलाता है, हेलो बोलता है, मेरी भारतीय संस्कार के अनुसार प्रणाम करता है। जब कोई एक सवाल आता है तो सबसे पहले इसको आके रिक्की बनाता है और भोलू का मजाक उड़ाता है कि यार तुम कहाँ बना पा रहे हो, देखो तुम एक मामूली सरकारी स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे अच्छे, तुम पढ़ नहीं पाए, तुम कहाँ से बना पाओगे, इस सवाल को देखो, हम IIT के सवाल को अभी बनाया। तब ये बोलता है भोलू कि देखो मुझे चुनौती मत दो, मैं स्वामी जी के द्वारा तैयार किया हुआ उनके शिष्य का शिष्य हूँ, मैं आनंद कुमार का शिष्य हूँ, उनका चेला हूँ, तुम मुझे चैलेंज मत करो। याद रखो जो पढ़ाई होती है वो डेडिकेशन से होती है, डिवोशन से होती है, ना कि पैसे से होती है। जिस सवाल को तूने बनाया उसका मैं नया सेकेंड सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसी का मैं थर्ड सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसी का एकदम नया मैं चौथा सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसी का मैं 5वां सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसी को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ। पता तू हीरो है या मैं?
इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। सोशल इम्पैक्ट भी है, सब बच्चे इस तरह का रूप वगैरह जो है वो लोग आता है छुट्टी में तो गांव में बच्चों को पढ़ाता है, और चलते चलते लास्ट में एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि आरक्षण फिल्म के दरमियान अमिताभ बच्चन जी को कुछ ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमिताभ जी क्या बोलते हैं? अखबार में उनके बारे में चर्चा हुई और उसे पढ़ के मुझे बेहद खुशी थी कि विदेश के कुछ पत्रकार खासतौर से कनाडा के, उन्होंने आनंद कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत किया है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल बनाया उन्होंने, और देश विदेश में उसकी बड़ी चर्चा की है उस माध्यम से। आनंद कुमार जी के बारे में जब मैंने पढ़ा सुपर व्यक्ति के बारे में तो पता चला कि ये वही कर रहे हैं जो डॉक्टर प्रभाकर आनंद जी की मेरा किरदार है इसमें करता है। पता नहीं कि आनंद कुमार जी की परिस्थितियाँ क्या थी किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन आरक्षण फिल्म में जो परिस्थिति बनती है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे आनंद कुमार जी की, जहाँ पर वो ऐसे बच्चे जो कि असुविधा नहीं है साधन नहीं है उनको एकत्र निःशुल्क शिक्षा का एक मार्गदर्शन दिखाते हैं और किस तरह से वो उन बच्चों को चुनौती देते हैं जो कि उनके पास साधन की सुविधा है कुछ वगैरह मिल जाती है। उन्होंने पूछा एक सवाल कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लगता है नहीं होगा कौन होगा, तो हम अंतिम जवाब इसी के सवाल का देते हैं। हमेशा स्वामी जी को याद करिए, उनके किताब को पढ़िए, उनके प्रवचन को पढ़िए, जरूर साहस मिलेगा। और स्वामी जी को पढ़ते पढ़ते मन में ऐसा आएगा कि कोई गुरु है जो हमसे मिल नहीं रहा है, हमारे पास नहीं है, ध्यान करिए उनका, लेकिन हमें निर्देशित कर रहा, हमें गाइड कर रहा है। और ऐसा मन में आएगा कि कौन है मेरे मन में मौन और मुस्कुराता है, आंखें करना चाहता हूँ चार वो सामने ना आता है। कौन है मेरे मन में मौन और मुस्कुराता है, आंखें करना चाहता हूँ चार वो सामने ना आता है। जब होती है रात तो लगता है वो आया है सुलाने, और जब होती है सुबह तो लगता है बैठा है सिराहने। कौन है मेरे मन में मौन और मुस्कुराता है, आंखें करना चाहता हूँ चारों सामने ना आता है। कभी कभी जैसे लगता है कि वो कहता है डर इसे न कर, कभी कभी जैसे लगता है कि वो कहता है डर इसे न कर, और कभी कभी जैसे गरजता हो न डर इसे कर। कौन है मेरे मन में मौन मुस्कुराता है, आंखें करना चाहता हूँ चारों सामने ना, नहीं है स्वामी।